गुड इवनिंग फ्रॉम कोलकाता। ये मेरा आखिरी वीडियो है कोलकाता से। मैंने अभी कैब की है और ये भाई मुझे लेकर जा रहे हैं स्टेशन। अब मैं यहाँ से स्टेशन जाऊँगा और स्टेशन से फिर दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से बैक टू पाकिस्तान। मेरा इंडिया का जर्नी कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं ट्रेन के अंदर जो अपना मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेन्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। मैंने बेंगलोर से चेन्नई का सफ़र किया था, बड़ा शॉर्ट सफ़र था, लेकिन अब मेरी ये लॉन्ग जर्नी है, मोर देन 25 आवर्स 28 आवर्स। आई डोंट नो कब मैं पहुँचूँगा, लेकिन होप्स हो बड़ा अच्छा और बड़ा फैंटास्टिक सफ़र होगा। मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। कौन सा स्टेशन पे जा रहा हूँ? हावड़ा स्टेशन। जी, हावड़ा स्टेशन से मेरी ट्रेन है। अब वो ट्रेन का नाम मुझे पता नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। हावड़ा अमृतसर उस ट्रेन का नाम है, यही है ना? हावड़ा अमृतसर ट्रेन है जिसमें मैं ट्रेवल करूँगा। ये आखिरी, आप देख लें, ये व्यूज़ है कोलकाता के, और बड़ा ज़बरदस्त मेरा जर्नी रहा। मैं पूरा इसका एक रिव्यू आपको दूंगा कि जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा, लाहौर से फिर अमृतसर और अहमदाबाद, ये पूरा मैं रिव्यू दूंगा आपको। बहुत से लोगों ने मुझे प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, मेरी हर वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, मुझे गाइड किया लोगों ने कि आप ये करें वो करें। आज मैं विक्टोरिया भी गया, बड़ी हिस्टोरिक प्लेस थी, मैं बड़ा इंजॉय किया मैंने वहाँ पर, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ इंटरनेट का मेरा इशू है जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा चीज़ों को। ये बिल्कुल मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। कितना ड्राइव है हमारे यहाँ से? 20 मिनट्स। जी, 20 मिनट्स, बड़ा टच एंड गो वाला है। 6 बजे मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट करना है ट्रेन से। अभी ऑफिस टाइमिंग से लोगों की छुट्टी हुई है तो थोड़ा सा ट्रैफिक आवर्स हैं अब, ये देखें। लेकिन ये भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको पहुंचाऊंगा हर सूरत। इन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त अभी एक लेमन जूस पिलाया, मिट्टी के प्याले में वो जूस था, और आई रियली इन्जॉयड। होप्स हो कि आगे फिर कहीं पे हो तो मैं दोबारा एक गिलास और पीऊँ, लेकिन अब गेटिंग लेट, शॉर्ट टाइम है। अभी क्या टाइम हो गया हमारे पास? टाइम हो गया 4:44 हुआ है, 4:44 हुआ है। 5:20, 5:25 तक मैक्सिमम मैं स्टेशन पहुंचूंगा। मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। स्टेशन से पहले मैं वीडियो इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, और फिर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठूंगा, उसके बाद मेरी जो जर्नी होगी उसका भी एक एक्सपीरियंस। मेरा पहले जो एक्सपीरियंस था बेंगलोर टू चेन्नई, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। बड़े अच्छे लोग हमें उस ट्रेन में मिले। जब हम स्टेशन से बाहर आए तो उन्होंने बहुत हमें अच्छा गाइड किया, हमें होटल तक पहुंचाया, और अब दोबारा से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगा हूं और टूवर्ड्स हावड़ा स्टेशन, और कंटिन्यू करूंगा इसी वीडियो में आगे आपके साथ विजुअल्स में। जी, ये स्टेशन की तरफ जा रहा हूं मैं। 42 सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग, ये कलकत्ता का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है जी, सबसे बड़ा बिल्डिंग है। अब मेरा सफ़र स्टेशन की तरफ है, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये देखें आप, टाइम बड़ा शॉर्ट है। ये कलकत्ता का सबसे टॉल बिल्डिंग है, सबसे बड़ा बिल्डिंग है, द 42 इसको बोलते हैं, इसको द 42 बोलते हैं जी। ये देखें जी, ये कलकत्ता की एक ये घोड़ा गाड़ी है, ये कलकत्ता में लोग ट्रैवल करते हैं। अब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास को इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर ट्रैवल कर सकूं, लेकिन ये यहाँ पे इसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, लोग सैर करते हैं इसके ऊपर। ये जी, मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स स्टेशन। ये ईडन गार्डन कलकत्ता का जो ग्राउंड है उधर से गुज़र के जाना पड़ता है। ये आपको मैं व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये
ये मेरे आखिरी लम्हात हैं कलकत्ता में जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग कौन सी भाई? लाल बाजार। ये देखें जी, बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं कोलकाता में, बड़ी हिस्टोरिक सिटी है। ये ज़रूर देखिएगा, मेरी जर्नी है टूवर्ड्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये देखें, सेंट जॉन्स चर्च है ये। ये देखें, ये आप इसको देख सकते हैं, तो बहुत हिस्टोरिक बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी इसमें। ये देखें, सिग्नल्स को लोग बहुत फॉलो करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये भाई मुझे लेके जा रहे हैं स्टेशन, और इसने कहा है कि जी मैं आपको पहुँचा दूँगा, क्योंकि वो साथ साथ गाइड भी कर रहा है। वो आगे कौन सी बिल्डिंग आ रही है? इस राइट साइड में आपका लाल बाजार थाना पड़ेगा। अच्छा, और लेफ्ट साइड से हावड़ा की ओर बस जाती है, लेकिन हम बस के ओर नहीं जाएंगे। सही है, मैं कार की ओर जाऊंगा, क्योंकि बस के ऊपर ओर जाने के बाद मुझे जाम में फंसना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। सही है, इस कारण से मैं कार का ही रुक जाऊँगा। सही, हिस्टोरिक प्लेसेस। मैं इस वक्त कोलकाता में हूँ, और ये इससे पहले हम यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि हम ज़्यादा स्टेडियम और इनसाइड सिटी और वहाँ से ही जाते थे, तो ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हैं। इधर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ये ईस्टर्न रेलवे है साथ मेरे लेफ्ट पे, लगता है हम स्टेशन के करीब पहुँच गए। ये देखें, ये है जी डायमंड, ये डायमंड हेरिटेज है कोई। ये भी देखें कितनी ओल्ड बिल्डिंग है। अच्छा, हाथ वाली जो रेडियां हैं वो भी अभी तक यहाँ पे ट्रेडिशन है, चल रही हैं। असल मेहनत करने वाले लोग, खून पसीने की कमाई जो खाते हैं ये लोग हैं, कि जिनका पसीना निकलता है, और इनको आप देखेंगे कि कितना वज़न उसने डाला हुआ है, और वो उसको खींच रहा है, और वो जगह दे रहा है गाड़ी को यहाँ से निकलने की। ये देखें, इसकी हिम्मत को सलाम है। ये देखें, साइकिल है ये थोड़ी सी, यहाँ से हम जाम में फंसेंगे, इसलिए स्टेशन के करीब है। ये हम स्टेशन के करीब ही भाई कह रहे हैं कि पहुँच गए। थोड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, हमेशा होता ही है यहाँ पे, हर हमेशा होता है, क्योंकि बसेस बहुत हैं यहाँ पे, और तो इसलिए हम स्टेशन के करीब करीब पहुँच गए। ट्रैफिक जैम है, क्योंकि किसी भी दुनिया के आप शहरों में जाएं, तो जहाँ पे रेलवे स्टेशंस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैफिक थोड़ा सा जैम मिलता है, क्योंकि और ये तो कोलकाता का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से पता नहीं कितनी ट्रेन्स एट अ टाइम जाती हैं। ये देखें जी, अभी हमें मज़ीद टाइम लगेगा पहुंचने में, 10 मिनट। ये देखें जी, अब हम स्टेशन के करीब करीब हैं। अभी आगे एक ब्रिज आएगा मेरा ख्याल है। बड़े इनसाइड सिटी है ये। यहाँ से हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बसेस बहुत हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहुत लोग इन बसेस में ट्रैवल करते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, ट्राम में ट्रैवल करते हैं, टैक्सी, ऊबर। ये देखें जी, बस
साइड पे देखें आप व्यूज। हेडिंग टूवर्ड स्टेशन जी। हावड़ा ब्रिज है जी, ये बहुत पुराना ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है। यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप कंट्रीज में इस तरह के हम बड़े बड़े ब्रिजेस देखते हैं। और ये भी अभी देखिए लोग कितने वॉक कर रहे हैं, और ये साथ रिवर साइड है पूरी, वंडरफुल सीन, कितनी दुनिया पैदल सफ़र कर रही है। और बड़े अच्छे ये देखें जी, ये लोग भी देखें साइकिल के ऊपर सामान खींच रहे हैं। ये बड़ा स्टेशन है, सबसे कलकत्ता का सबसे बड़ा स्टेशन, ये कलकत्ता का भाई बता रहे हैं कि सबसे बड़ा स्टेशन है स्टेशन। और मुझे शौक़ था कि मैं ट्रैवल करूं ट्रेन में, और मुझे टिकट मिला और मैं अब बाय ट्रेन आई एम लीविंग, अपने मुल्क की तरफ मैं जा रहा हूँ वापस, होम स्वीट होम, मेरा प्यारा मुल्क। और माय स्वीट कंट्री, बहुत मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम यहाँ पर है, लेकिन मेरा सफ़र इख्तिताम हुआ है। एंड आई थिंक सो कि अब ये रेलवे स्टेशन आ गया। ये देखें जी, ये बस स्टैंड है। अभी हमारा 3 मिनट का और सफ़र रह गया है, जो नेविगेशन बता रही है। बहुत मुश्किल से टिकट मिलता है जी ट्रेन का, यहाँ पे ट्रेन का टिकट यहाँ पे आसान नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है राइट साइड पे, ये दें, मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ जी। अब ये बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, और आई एम हेयर। ये देखें, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, आप लाइट्स देख रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे ट्रैफिक में रुके हुए हैं। आप मुझे मेन गेट पे उतारेंगे जहाँ से यहाँ पे कुली मिलता है, वहीं आप उतारेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये रेलवे स्टेशन आ गया है, और मेरा कोलकाता का सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये देखें, ये रेलवे स्टेशन आ गया है। ये बिल्डिंग देखें रेलवे स्टेशन की, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इस साइड के ऊपर चल रही है। स्टेशन हम पहुंच गए हैं, और ये देखें जी, ये मैं आपको रेलवे स्टेशन का व्यू दिखा दूं। ये देखें, ज़बरदस्त व्यू है रेलवे स्टेशन का। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, और इस वीडियो को मैं अब क्लोज़ करूंगा। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर हूं आप, और ये देखें साथ
मैंने कुली किया है और नाउ आई एम लीविंग। बड़ा अच्छा मेरा सफ़र रहा है यहाँ का और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। ये कोलकाता रेलवे स्टेशन भी देख कर आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है और अपने प्यार में याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मैं रابطہ करता रहूँगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, पाकिस्तान जाके भी आपके साथ इन कॉन्टेक्ट थ्रू वीडियोस में रहूँगा। आप सबका शुक्रिया अदा करता रहूँगा जिस तरीके से आप लोगों ने हॉस्पिटैलिटी की है, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है और मोहब्बत दी है, वार्म वेलकम दिया है। आई हैव नो वर्ड्स एंड रियली वेरी इम्प्रेस। और जो जो लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप देखें मेरे पीछे स्टेशन है, वंडरफुल स्टेशन, एंड होप्स हो कि मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब आज शबीर को कोलकाता से इजाज़त दें, ये मेरा आखिरी वीलॉग है कोलकाता से। अल्लाह ने के बाद।